हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए पोहे से बनी कितनी बढ़िया टिक्किया बनकर तैयार हो गई है। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही कुरकुरी बनी है। जब आपको कोई नाश्ता समझ में ना आए तो इस नाश्ते को बनाएं और गर्मा गर्म किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मेजरिंग कप से मैंने 1 कप पोहा लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसे वॉश कर लेंगे। अब इस पानी को हम एक एक्स्ट्रा बर्तन में निकाल लेंगे। अब पोहे में हम एक बार फिर से साफ पानी डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए पानी में ही रहने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, पोहे का पानी हम फिर से निकाल देंगे। अब पोहे को हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम 1/2 कप कॉर्न के दाने डालेंगे। अब इसे हम दरदरा पीस लेंगे। देखिए मैंने कॉर्न के दानों को इतना दरदरा पीस लिया है। अब हम पोहे को अच्छे से मैश कर लेंगे। पोहे अच्छी तरह से गल गए हैं, देखिए कितनी अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं। देखिए पोहे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब पोहे में हमने जो कॉर्न के दानों को पीसा है उन्हें मिला लेंगे। 2 चम्मच बेसन डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 1/2 चम्मच खड़ा हरा धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और साथ ही इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहे से बना ये नाश्ता सभी को बहुत पसंद आएगा। आप इस नाश्ते को एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए तो इस नाश्ते को जरूर बनाएं। खाने में नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए मैंने मिश्रण को डो के फॉर्म में तैयार कर लिया है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इसे गोल घुमाते हुए टिकिया के रूप में बना लेंगे। टिकिया को हमें ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। आप इसे अपने मनचाहे शेप में भी बना सकते हैं। जो आपको शेप पसंद हो आप वो दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे टिकिया के शेप में बना लिया है। इसी तरह से हम सारी टिकिया तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल डालकर गर्म होने रख दिया था। तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम एक एक टिकिया को कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। अब टिकिया को हम पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। याद रखें गैस की फ्लेम को हाई ना करें, नहीं तो टिकिया अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। धीरे से हिलाएं इन्हें, धीरे धीरे हम इन्हें पलट लेंगे। टिकिया को मैंने पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिकिया तल लेंगे। ये देखिए पोहे से बनी कितनी बढ़िया टिकिया बनकर तैयार हो गई है। अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही कुरकुरी बनी है। जब आपको कोई नाश्ता समझ में ना आए तो इस नाश्ते को बनाएं और गर्मा गर्म किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।